हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। आज किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो पता चला कि आज सीए के रिजल्ट्स आया। सो वापस उस फेज में गई, एकदम से सब चीज़ें याद आई जब मैं सीए कर रही थी, मेरा रिजल्ट आता था और फेल। तो बस जो फेल हुए हैं ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। देखो यार, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है? दुनिया कुछ भी बोले ना, उनकी बातों को सुनना मत कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। मुझे पता है तुमने दिन रात मेहनत करी है, मुझे पता है तुमने अपना 100% दिया है। आई नो दिस एंड आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू। जो भी फेल हुआ है, ठीक है, जो भी लोग बोले उन लोग की कुछ बात मत सुनो। कोई हंस रहा है, कोई बस मज़े लेने के लिए पूछ रहा है, जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ इट एंड बस इन सबको इग्नोर करके वापस पढ़ाई पे लगो। एंड जो कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत बार सेम चीज़ पे फेल हो रहे हैं, दे आर स्टक एट द सेम लेवल 6-7 times दे आर गिविंग द एग्ज़ाम्स। देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मुश्किल तो होंगे, बट देर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ मेनी ऑप्शंस। तो जिसको ये ऑप्शन चूज़ करना है वो कर ले। देखो बहुत मुश्किल है, आई नो दैट। बहुत 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 हिम्मत चाहिए होती है ये करने के लिए। मुझे खुद बहुत मेहनत हिम्मत लगी थी व्हेन आई टुक दिस डिसीजन ऑफ लीविंग सीए। ऑनेस्टली मतलब इट वॉज़ द वर्स्ट ब्रेकअप दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड, आई से। सो मतलब बहुत ही गंदा फीलिंग था वो, एंड वो फेज था। बट एक होता ना दैट देर इज़ अ ब्राइटर साइड टू एवरीथिंग। सो या आई एम फीलिंग वेल इन माई लाइफ नाउ एंड आई एम इन अ बेटर, इन अ मच बेटर सिचुएशन अभी। सो देखो हर चीज़ का सोल्यूशन है, इट्स जस्ट योर गट दैट वॉट इट सेज। मुझे बहुत लोगों ने जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई थी तब भी बोला कि छोड़ दो सीए, सेकेंड टाइम फेल हुई तो बोल दिया छोड़ दो सीए, थर्ड टाइम फेल हुई तो बोला छोड़ दो सीए। बट क्या मैंने फर्स्ट टाइम में सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, बिकॉज आई हैड अ फीलिंग कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, सेकेंड टाइम पे भी एंड थर्ड टाइम पे भी आई हैड अ फीलिंग बट कि मैं करके दिखाऊंगी। बट फिर उसके बाद आई जस्ट डिड सम यू नो प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड ऑल। उस टाइम पे फिर मैं उस फेज में चली गई थी यू नो, तो आई टुक दिस डिसीजन ऑफ लीविंग सीए। बट ज़रूरी नहीं है कि आप सीए छोड़ने का ही डिसीजन लो, आई से परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क कैन बी टैलेंट। सो लगे रहो, बस ये जो इधर उधर की बात है उसको सुनना बंद करो, अपने ऊपर विश्वास रखो एंड आगे बढ़ जाओ, ठीक है? बस यही इंटेंशन था। एंड सबसे बड़ा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये था कि यार मुझे पता तुमने मेहनत करी है, मुझे पता है। तो एक जो सेल्फ डाउट आता है ना अपने अंदर कि मैंने नहीं किया क्या, मैंने नहीं किया क्या, नहीं तुमने किया है, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने दिन रात इवन 12 घंटे क्या 16 घंटे भी पढ़ाई की है। बिकॉज मुझे पता है मैंने की थी बट रिजल्ट्स नहीं आए, तो लोगों को कभी बिलीव नहीं होता है इस चीज़ पे। उन लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। बट ओनली आई नो हाउ डेडिकेटेड आई वॉज, ओनली आई नो दैट फीलिंग कि यार मैंने सब कुछ दिया, यार मैंने सब कुछ किया है, फिर भी मैं फेल हो रही हूँ। सो डोंट यू एवर यू नो ब्रिंग योर मॉरल डाउन। आप बहुत मेहनती हो, आपके अंदर पूरा दिमाग है, ठीक है? एंड बस लगे रहो और अच्छे से, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और इम्प्रूव करो, सी वॉट डिफरेंट यू कैन डू फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स बट डोंट टेक टू मच इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स एज वेल। स्टिक टू सम ऑफ योर ओन बिलीव्स एंड जस्ट आगे बढ़ते रहो। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। एंड एक और चीज़,
देखो स्ट्रॉन्ग, हर कोई अपने अच्छे वक्त में तो हंस सकता है, बट कोई ऐसा जो अपने बुरे वक्त में भी हंसते, वो होता है एक स्ट्रॉन्ग बंदा, दैट आई बिलीव। सो आई फील हंस दो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए और अपने करियर के लिए भी, क्योंकि हंसते हंसते रास्ता गुजारोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रोते रोते तो यार क्या रास्ता कट जाएगा, लाइफ कट जाएगी, बट फिर लगेगा कि यार कितना बुरा फेज था। तो हमेशा हंसते हंसते अपनी लाइफ को एंजॉय करो, राइट? सो आई होप इस वीडियो को सुन के थोड़ा सा तो बेटर फील हुआ होगा आप लोगों को, बिकॉज़ जब मैं फेल होती थी, मुझे चाहिए था कोई इंसान जो मुझे बोले, जो मुझ में बिलीव करे यार कि मैंने कितनी मेहनत की थी, मुझे सुनना था ये। सो आई गेस शायद आप ये सुन के आप ये बेटर फील, आप बेटर फील करोगे। सो या टेक केयर एवरीवन, बाय।